गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुदेव फोटोग्राफिक्स। आज आपके लिए बहुत ही सुंदर एक बछेड़ी लेके आया हूँ जिसका नाम है दीवा। दीवा बहुत ही अच्छी लाइन की एक पंचकल्याण मारवाड़ी बच्ची है। इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो पहले इसकी बॉडी कन्फर्मेशन देख ली जाए। मार्किंग की बात करें तो ये पंचकल्याण में है जिसके चारों पैर धुले हुए हैं, चारों पैर सफ़ेद हैं और मुंह पे बहुत ही अच्छा ब्लेज है। इसकी पीठ की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेंथ की बात करें तो बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा लेंथ, गर्दन की बात करें तो मजबूत लंबी गर्दन, पतला मुंह है और कान भी बहुत अच्छे हैं। ये दोस्तों आदि मज्जू के लाइन की है, आदि मारवाड़ी में है। मज्जू के लाइन की आदि क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी माँ ग्रे कलर की 62 इंच की गोड़ी है और ये अपनी माँ की पहली बेटी है। दोस्तों ये इस समय मेरे फार्म पे है, पटवारी स्टड फार्म के ऊपर। हमारे गांव का नाम है शीना करम सिंह, तहसील है अजनाला, डिस्ट्रिक्ट हमारी पड़ती है अमृतसर। अमृतसर ज़िले में है, पंजाब में। कोई भी दोस्त चाहे इस बच्ची को देखना, ये बच्ची फॉर सेल भी है। आपको इंटरेस्ट है इस बच्ची में तो आप इसको आके देख के ख़रीद भी सकते हैं। इस बच्ची की अगर फ्यूचर हाइट की बात करें तो मेरे को लगता है ये बहुत ही बड़ी गोड़ी बनेगी। अभी तो एस्टीमेट नहीं है, फिर भी मेरे किसी दोस्त ने इसको देखा था, वो बोले ये 63 से 64 इंच की गोड़ी आराम से बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करें, जो नुकरा लवर्स हैं, सफ़ेद घोड़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए भी मेरे पास एक तोहफ़ा है। ये 16 महीने की एक नुकरी बच्ची है जो अच्छी लाइन से है, प्योर वाइट है, कान कंडीशन की गर्दन की बहुत अच्छी है और अच्छी नुकरी घोड़ी बन जाएगी। ये घोड़ी भी फॉर सेल है। जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हो, इन बच्चियों में से किसी बच्ची को ख़रीदना चाहते हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर और मेरा कॉलिंग नंबर एक ही है और ये मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। और दूसरी बात, मैं उन भाइयों से विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो रात को 12 बजे ये वीडियो देखने के बाद उसी टाइम फ़ोन कर देते हैं कि गुरुदेव भाई साहब आपकी कुछ बच्चियों के वीडियो देखे हैं, तो ज़रा वो ध्यान दें कि सुबह 9 बजे के बाद और रात को 8 बजे से पहले पहले फ़ोन कर लें तो अच्छी बात है। और दूसरी तीसरी जानकारी ये है कि ये बच्ची 1 लाख रुपए वाली नहीं है। हर घोड़ी का, हर बच्ची का एक अपना रेट होता है। ना तो ये नुकरी 1 लाख वाली है, ना पंचकल्याण, ये दोनों की कीमत इससे बहुत ज़्यादा है। तो मेरे भाई वही फ़ोन करें जिनको इनके रेट की समझ हो या वो थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च सकते हैं, तभी फ़ोन करें। ना आपका टाइम ख़राब हो ना हमारा हो। जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।